Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing really well today. So today's video is a review video as well as a demo video. So मैं एक product का review करने वाली हूँ, साथ के साथ आपको एक demo देने वाली हूँ कि how I like to use that particular product. So the product that I'm going to review is this Good Vibes Lotus and Sage Revitalizing Face Mask. You can see. So I'm going to review this product and going to give you a quick demo that how I like to use this particular face mask and iska kya effect hota hai meri skin pe. So let's get started. So guys, you can see this is a Good Vibes Lotus and Sage Revitalizing Face Mask. So Good Vibes ke sare products paraben and sulfate free hote hain and they are all cruelty free. However, ये specific product जो है मैं teenagers को इतना recommend नहीं करूँगी because it is a revitalizing face mask and additionally इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, I'll just show you guys that it is crafted for all and highly recommended for oily and aging skin. So जैसे मेरी aging skin, I am 30+, so I would not really recommend anyone using this face mask who is below 28 or 27. I would highly recommend it for people with aging skin या जिनको थोड़ी सी aging की problem है and as in it is not a problem basically जिनकी skin थोड़ी age हो रही है and it has lotus and sage in it and इसका क्या benefit होता है sage का जो component है इसमें it helps in restoring the pH balance of your skin and lotus has vitamin A in it and it actually जो vitamin A होता है हमारी skin के breakouts हैं ये जो भी pimple वगैरह होते हैं उनको prevent करने में हमारी help करता है and हमारी skin को और glowing बनाता है so मेरे skin पे अभी थोड़े से कुछ breakouts हो रहे थे due to some stress in my personal issues so मैंने सोचा इस mask को try करूं and seriously guys it works मैंने इसे already 2-3 बार try किया है and मेरे pimples और acne जो हैं काफी हद तक calm down हो गए हैं एंड इसीलिए मैं आज आपको इसका रिव्यू एंड डेमो दोनों करके दिखा रही हूँ क्योंकि मेरी तरफ से गाइस ये मास्क जो है बहुत ही अमेजिंग है वैसे इसका टेक्सचर मैं आपको अब दिखा देती हूँ थोड़ा सा सो गाइस आप इसका टेक्सचर देख सकते हो एक पिंकिश सा टेक्सचर है क्ले काइंड का टेक्सचर आपको इसका दिखेगा ये क्ले मास्क कह लो या एक क्ले कम क्रीम मास्क कह लो इतना क्ले मास्क की तरह इतना ड्राइंग नहीं है एंड क्रीम की तरह एकदम मॉइस्चराइजिंग भी नहीं है बट समथिंग इन द मिडल है ये एंड इट हैज़ अ वेरी वेरी स्मूद एंड बटरी सॉफ्ट काइंड ऑफ अ टेक्सचर सो या बहुत ही अच्छा टेक्सचर है मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया इसका टेक्सचर जब मैं आपको डेमो दिखाऊंगी आप देख सकते हो इसका टेक्सचर और भी ज़्यादा अच्छे से सो मैं आपको हल्का सा दिखा देती हूँ जस्ट यू कैन सी ये देखो कितना बटरी सॉफ्ट सा इसका टेक्सचर है एकदम स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से फैलता है एंड बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है आपकी स्किन के ऊपर ये मास्क एंड मेरी तरफ से गाइज ये मास्क बहुत ही थम्स अप है एंड बाकी आप डेमो में जब देखोगे आप देख सकते हो कि मेरी स्किन पे क्या ग्लो आता है नहीं आता है एंड देन यू कैन डिसाइड फॉर योर ओन कि आपको ये मास्क खरीदना है कि नहीं एंड प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है इट इज़ फॉर 225 रुपीज़ एंड ये purple.com पे सेल पे आपको अच्छे से मिल जाएगा ये थोड़ा मास्क मेरा गंदा भी हो गया चलो मैं क्लीन कर दूँगी एंड आपको सेल में अराउंड 170-180 तक का मिल जाएगा एंड 3 ईयर्स की शेल्फ लाइफ है इसकी एंड गाइज इट इज़ अ वेरी वेरी गुड मास्क अगर आप 27 या 25+ हो गाइज डू ट्राई इट आउट इट इज़ अ वेरी गुड मास्क या सो इट्स अ थम्स अप फ्रॉम माई एंड सो गाइज यू कैन सी कि मेरी स्किन पूरी क्लीन है एंड मैंने पूरा फेस वॉश किया हुआ है कोई मेकअप नहीं है मेरे फेस पे And now I'm going to use this particular face mask on my face and I leave it on for 15-20 minutes and then I wash it off. So I'm just going to show you. This actually I use this face mask during my nighttime skincare regime and I like to use it twice a week. So yeah, मैंने इसे काफ़ी use भी कर लिया है. So I'm going to show you guys how I like to apply it. मास्क ड्राई हो गया है एंड इट्स बीन अराउंड 10-15 मिनट्स कि मैंने इसको लगा के रखा था एंड अब ड्राई हो गया एंड आई एम गोइंग टू जस्ट वॉश इट ऑफ एंड शो यू गाइस द इफेक्ट ऑन माय फेस एंड एक और चीज मैं बोलूंगी गाइस इसका टेक्सचर जो है क्ले एंड क्रीम बेस्ड मास्क का एक मिक्सचर है बहुत ही अच्छा मिक्सचर है
जैसे मुल्तानी मिट्टी जब हम लगाते हैं अपने फेस पे या कोई भी क्ले मास्क लगाते हैं हम अपने फेस पे, हमारा फेस काफी ड्राई फील होता है जब वो मास्क ड्राई होता है या सूखता है, बट इसके बाद मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता, मेरा फेस एकदम स्ट्रेची स्ट्रेची नहीं फील होता, विच इज अ गुड थिंग। सो बेसिकली इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, बहुत ही बटरी सॉफ्ट टेक्सचर है, एंड ऑल्सो जब ये ड्राई हो गया उसके बाद भी इसका टेक्सचर जो है काफी स्मूथ है एंड एक्स्ट्रा स्ट्रेची नहीं है, तो आपकी स्किन कभी स्ट्रेची स्ट्रेची फील नहीं होगी। बिकॉज अगर जो एक्स्ट्रा ड्राइंग मास्क होते हैं, जैसे पर्टिकुलरली जो क्ले मास्क होते हैं मुल्तानी मिट्टी फॉर एग्जाम्पल, तो जब हम उसको जब वो ड्राई हो जाती है तो हमसे बात भी नहीं की जाती है, हमारा चेहरा खिंचता है, बट इसके बाद मैं कंफर्टेबली बात कर पा रही हूँ आपसे एंड मेरा चेहरा कोई खिंच नहीं रहा, मुझे कुछ स्ट्रेची फील नहीं हो रहा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू वॉश इट ऑफ एंड शो यू गाइज कि इसका क्या इफेक्ट है मेरे फेस पे। सो गाइज यू कैन सी दैट आई हैव जस्ट वॉश माय फेस एंड मैं बस इसे पैट ड्राई कर रही हूँ एंड उसके बाद आप इसका इफेक्ट देख सकते हो। सो गाइज आप देख सकते हो मेरी स्किन पे थोड़े से पिंपल इश्यूज भी हो रहे थे ड्यू टू द स्ट्रेस फेज दैट आई एम गोइंग थ्रू इन माय पर्सनल लाइफ। सो थोड़े से मुझे पिंपल्स हो जाते हैं, स्ट्रेस होता है, बट इसने काफ़ी मेरे पिंपल्स को काम डाउन किया है, मैंने इसे 2-3 बार पहले भी यूज़ किया है एंड मेरे पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा काम डाउन हुए हैं, मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हुई है एंड मुझे तो गाइस अपनी स्किन पे हल्का सा ग्लो दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कैमरा पे नहीं, बट मुझे पर्सनली दिख रहा है शीशे में कि मैं देख रही हूँ तो मुझे हल्का सा ग्लो दिख रहा है एंड मेरी स्किन काफ़ी स्मूथ हो गई है। एंड जैसे हम क्ले मास्क लगाते हैं या कोई भी मास्क लगाते हैं हमारी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, इससे मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुई है एंड काफ़ी प्लम्प हो गई है एंड काफ़ी स्मूथ हो गई है। सो गाइज मैं इस मास्क को ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप लोगों को एंड टीनेजर्स को नहीं करूँगी ज़्यादा रिकमेंड, बिकॉज इसके इस मास्क के ऊपर खुद ही लिखा हुआ है कि टीनेजर्स यूज़ कर सकते हैं, बट आई वुड से कि यू नो एजिंग स्किन के लिए मास्क ज़्यादा अच्छा है एंड फॉर ऑल स्किन टाइप ड्राई स्किन वाले भी इसे ट्राई करें बिकॉज ये आपकी स्किन को ज़्यादा ड्राई नहीं करता है। मेरी स्किन नॉर्मल टू ड्राई स्किन है एंड मेरी स्किन को इसने बिल्कुल भी ड्राई नहीं किया है, नहीं तो कुछ मास्क ऐसे होते हैं आपके ऑयल को यू नो आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल को एकदम स्ट्रिप ऑफ कर लेते हैं, बट इस मास्क ने ऐसा नहीं किया है। सो दिस इज अ थम्स अप फ्रॉम माय एंड गाइस, अगर आप ट्राई करना चाहो इसे ज़रूर करो, purple.com पे काफ़ी डिस्काउंट आता रहता है एंड गुड वाइब्स के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं एंड मैंने और भी प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं, मैं उनका रिव्यू काफ़ी जल्दी शेयर करूँगी। सो दिस मास्क इज गाइस थम्स अप फ्रॉम माय एंड। This is all for the review video today and for the demo today. So in case you like my video, do like, share and subscribe to my channel guys. Bye bye.